हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। शुरू करेंगे आज सिंधी विशेष से, हिंदी के व्याकरण सिंधी विशेष से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि जो हर नए वीडियो है उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगे अंत तक देखिएगा और अंत में कॉमेंट के द्वारा बताइए कि कैसे लगा आपको हमारा ये वीडियो। शुरू करेंगे तो सिंधी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे? समधी से, जिसका अर्थ होता है मिलना। हमारे हिंदी भाषा में सिंधी के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन संस्कृत में सिंधी के बिना कोई काम ही नहीं चलता। संस्कृत की व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह से जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना भी जरूरी है। शब्द रचना में सिंधियाँ काम करती हैं। जब जो दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन रहती है उसे क्या कहते हैं? संधि। तो संधि की परिभाषा क्या है कि जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि जो आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे क्या कहते हैं? सिंधी। अर्थात सिंधी किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही सिंधी विशेष कहलाता है। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाती है तो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए बता दें कि हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आलय। क्या होगा? हिम प्लस आलय। और सत प्लस आनंद, इससे हो गया सदा आनंद। तो सिंधी के प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार की होती है सिंधी? तो सिंधी होती है तीन प्रकार की। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। और कौन सी होती है वो देख लें, स्वर सिंधि, व्यंजन सिंधि और विसर्ग सिंधि। अब देखेंगे स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो जो परिवर्तन हो जाए उसे स्वर संधि कहते हैं। यदि स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी अक्षर व्यंजन होते हैं, जब दो स्वर मिलते हैं, जब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, इसके अंदर क्या है? उससे क्या बन गया? विद्यालय। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? पांच प्रकार की होती है स्वर संधि। कौन सी? तो है दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्ध्य संधि, यण संधि, अयाद्य संधि। अब देखें दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि क्या होती है? जब ए आ के साथ ए आ हो तो आ मनता है, जब ई के साथ ई ही ओ तो ई मनता है, जब उ औ के साथ औ उ ओ हो तो औ मनता है। अर्थात जब अंक स्वरण दीर्घ मतलब एक अंक प्रत्याहार के बाद अगर स्वरण हो तो दो मिलकर दीर्घ मनते हैं। दूसरे शब्द में हम कहें तो जब दो सुजातीय स्वर आपस आस पास होते हैं तो जो स्वर बनता है उसे सुजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी को स्वर संधि की दीर्घ संधि कहते हैं। इसे ह्रस्व संधि भी कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, रवि प्लस इंदर रविंदर, गिरी प्लस ईश ग्रीस। तो ये आपके लिए कुछ उदाहरण है। मुनि प्लस ईश मुनीस, मुनि प्लस इंदर मुनिंदर, भानु प्लस उदय भानुदय, वधु प्लस ऊर्जा वधुर्जय, विदु प्लस उदय विदुदय, भू प्लस उर्जित भुर्जी। अगले देखेंगे गुण सिंधि क्या होती है। गुण सिंधि क्या होती है? जब ए आ के साथ ई हो तो ए मन जाता है, जब ए आ के साथ उ हो तो ओ मन जाता है, और जब ए आ के साथ री हो तो अर मन जाता है, उसे क्या कहते हैं? गुण सिंधि। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, नर प्लस इंदर नरेंद्र, सु प्लस इंदर सुरेंद्र, ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश। इसी प्रकार से देखें देव प्लस ऋषि देव ऋषि,
सर्व प्लस ईक्षण सर्वेक्षण, ये गुण सिंधि और उसके उदाहरण। अगली देखेंगे वर्धी संधि। वर्धी संधि क्या होती है? जब ए आ के साथ ए हो तो ए बन जाता है, और जब ए आ के साथ ओ हो तो ओ बन जाता है, उसे वर्धी संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, मत प्लस एकता मत एकता, एक प्लस एक 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 धन, प्लस एणेश धनेश, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ओज महोज। आगे देखें यण सिंधि। यण सिंधि क्या होती है? जब ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह मन जाता है, जब उ उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो उय मन जाता है, जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रे मन जाता है। यण सिंधि के तीन प्रकार से सिंधि उपयुक्त पद होते हैं। यह से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, वह से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, शब्द में त्रय होना चाहिए। यण स्वर सिंधि में एक शर्त भी दी गई है कि यह और त्रय में स्वर होना चाहिए, और उसी से मने हुए शुद्ध वह सार्थक स्वर को प्लस के बाद लिखे, उसे यण सिंधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, इति प्लस आदि इत्यादि, पूरी प्लस आवरण पर्यावरण, अनु प्लस अय अन्वय, सु प्लस आगत स्वागत। अगली सिंधि कौन सी है? अयादि सिंधि। कौन सी सिंधि है? अयादि सिंधि। जब ए ओ के बाद कोई अन्य स्वर हो तो ए अय में ए आय में ओ अवय में और ओ आव में यण जाता है, यह वह से पहले व्यंजन पर ए आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो जाती है, लेकिन अगर कोई और अन्य विच्छेद निकलता हो तो प्लस के बाद वाले भाग को वैसा का वैसा लिखना होगा, उसे क्या कहते हैं? अयादि सिंधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, ने प्लस अन नयन, ने प्लस अन नयन, भो प्लस अन भवन, पो प्लस इतर पवित्र, नो प्लस इक नाविक, ये होगी अयादि सिंधि। आगे देखें क्या कौन सी सिंधि? व्यंजन सिंधि। व्यंजन सिंधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन सिंधि कहते हैं। जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन सिंधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, दिक् प्लस अंबर दिगंबर, अभी प्लस शेख अभिषेक, ये व्यंजन सिंधि के उदाहरण है। और व्यंजन सिंधि के 13 नियम भी होते हैं, वो कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से, या ये रे ले वे है से, या किसी स्वर से हो तो क को ग च को ज ट को ड़ त को द और प को ब में बदल दिया जाता है। अगर स्वर मिलता है तो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वो हलंत में ही रहेंगे। उदाहरण के तौर पर क के गय में बदलने के उदाहरण, दिक् प्लस अंबर दिगंबर, दिक् प्लस गज दिगज, वाक प्लस इस वागीस, और च के जय में बदलने के उदाहरण कौन से हैं? वह अच प्लस अंत अजंत, अच प्लस आदि आजादी, और टैग केड़े में बदलने के उदाहरण, सट प्लस अनन सड़ानन। इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण है, वो भी आप देख लेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे जो लिंक मिलेगी आपको टेलीग्राम के, वहां से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। आगे देखेंगे तय के दय में बदलने के उदाहरण, तत् प्लस उपरांत तदुपरांत, सदस्य प्लस सदस्य की क्या होगी? सत प्लस आशय, इससे हो गया सदस्य। प के ब में बदलने के उदाहरण, अप प्लस द अपद, और जैसे कब्ज है उसको कैसे करेंगे तो अप प्लस ज हो जाएगा इसका अपद का।
दूसरा नियम कौन सा है? यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिलन न या मै वर्ण के साथ हो तो कै को अड़े, चै को जै, टै हो अणे, तै को न तथा पै को मै में बदल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर दे लेते हैं, कै के अड़े में बदलने के उदाहरण कौन से हैं? वाक् प्लस मे, वाग्म्य। ये कुछ इस प्रकार के, जैसे प्राण, प्राणमुख, प्राणक मुख, ये हो गया इसका। टै केणे में बदलने के कुछ उदाहरण है वो देख लेते हैं। सट प्लस मास, सट मास, सट प्लस मूर्ति, सण मूर्ति, ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है। अगला देखेंगे तय के नय में बदलने के उदाहरण, उत प्लस नति, उन्नति, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। पै के मैं बदलने के उदाहरण कौन से हैं तो वो देख लेते, अप प्लस मैं, अमम्य। और तीसरा कौन सा नियम है? वो है जब तय का मिलन गय है, दे, पै मैं यह रे वह से या किसी स्वर से हो तो दे बन जाता है। मैं के साथ कैसे मैं तक के किसी भी वर्ण के मिलन पर मैं की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम जो नासिक वर्ण बन जाएगा। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, मैं प्लस क ख ग ण के उदाहरण, संकर का क्या होगा? सम प्लस कर, और जो संगम है उसका क्या होगा? सम प्लस गम, मैं प्लस चय छय के उदाहरण, सम प्लस चय संचय, और इसी प्रकार मैं प्लस टै वाली लाइन के उदाहरण टै ठै अणे वाले, तो दम प्लस अणे दंड, खम प्लस अणे डे खंड, मैं प्लस तय थे के उदाहरण सम प्लस तो संतोष। तो इसी प्रकार के ये आगे के उदाहरण भी है, आप देख लेंगे। चौथा नियम कौन सा वो देख लेते हैं। चौथा नियम है तय से परे चय या छ होने पर, चय जय या झ होने पर, चय टय या ठय होने पर, टे डे होने पर डे और ले होने पर ले मन जाता है। मैं के साथ ये रे ले वे से है में से किसी भी वर्ण का मिलन होने पर मैं की जगह अनुस्वार ही लगता है। उदाहरण के तौर पर देख लेंगे, सम प्लस रचना संरचना, सम प्लस लग्न तो हो गया संगलन। ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है वो भी देख लेंगे आप। तय प्लस चय जय डे टे लय के उदाहरण, तो उत प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस जन सजन। और पांचवा नियम कौन सा है वो देख लेते हैं। जब तय का मिलन अगर सह से हो तो तय को जय और सह को छ में बदलना दिया जाता है। जब तय या दय के साथ चय या छ का मिलन होता है तो तय या दय की जगह पर चय बन जाता है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, उत प्लस चारण उच्चारण, शरत सारण, अगला है शरत प्लस चंद्र सरचंदर, तय प्लस सह के उदाहरण पे तो देख लेंगे, उत प्लस श्वास उच्छास। छठा नियम कौन सा है? छठा नियम है जब तय का मिलन है से हो तो तय को दय और है को दय में बदल दिया जाता है। तय या दय के साथ जब जय और जय का मिलन हो तो तब तय या दय की जगह पर जय मन जाता है। उदाहरण के तौर पर दे लेते हैं, सत प्लस जन सजन, जगत प्लस जीवन जग जीवन, तय प्लस है के उदाहरण देख लेंगे, उत प्लस हार उदहार। सातवां नियम कौन सा है? संवर के बाद अगर छह वर्ण आए तो छह से पहले चय वर्ण बढ़ा दिया जाता है तथा तय या दय के साथ टय ओ या ठय का मिलन होने पर तय या दय की जगह पर टय बन जाता है। जब तय या दय के साथ अणे ओ ढय की मिलन होने पर तय या दय की जगह पर डय बन जाता है। उदाहरण देख लें, तत् प्लस टीका तटीका,
ए आ ई उ के प्लस छह के उदाहरण के तौर पर दे लेंगे कि अनु प्लस छेद अनुच्छेद, संधि प्लस छेद छिंदी छेद, ये होंगे इसके उदाहरण। और आठवां नियम कौन सा है वो देख लेंगे। अगर मैं के बाद क से लेकर मैं तक कोई व्यंजन हो तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है, तय या दे के साथ जब लय का मिलन होता है तब तय या दय की जगह पर लय मन जाता है। उदाहरण के तौर पर देख लेंगे उत प्लस लास उल्लास, तत् प्लस लीन तदलीन, ये इसके उदाहरण है। अगला देखेंगे उदाहरण मैं प्लस च क तय प के उदाहरण। तो सम प्लस च संचम्य, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस बंद संबंध, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, ये इसके कुछ उदाहरण है। अगला देखिए नौवा नंबर नियम, मैं के बाद मैं का द्यवंत हो जाता है, तय या दय के साथ है मिलन पर, तय या दय की जगह पर दय तथा है की जगह पर दय मन जाता है। उदाहरण देख लेंगे उत प्लस हार उदहार, पद प्लस हति पदंत पदंती, मैं प्लस मैं के उदाहरण, सम प्लस मति सम्पति, सम प्लस मान सम्मान। और दसवां नियम कौन सा है, दसवां नियम है मैं के बाद ये रे ले वे से स है में से कोई व्यंजन आने पर मैं का अनुस्वार हो जाता है तथा तय या दे के साथ स के मिलन पर तय या दे की जगह पर स चे से की जगह पर छ मन जाता है। उदाहरण पर उत श्वास उच्छ्वास। और अगला है शरत प्लस शीश शरत शीश, मैं प्लस यर ल से के उदाहरण पर देखेंगे सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षण संरक्षण। अगला देखें ग्यारहवां नियम री रे से परे न का अणय हो जाता है परंतु च वर्ग टय वर्ग तय वर्ग से और से का व्याधान हो जाने पर न का अणय नहीं होता। किसी भी स्वर के साथ छ के मिलने पर सवर तथा छ के बीच च आ जाता है। उदाहरण पर देख लेंगे उदाहरण कौन सा है कि आ प्लस छादन आच्छादन, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, इसकी उदाहरण है रे प्लस न में के उदाहरण, परी प्लस नाम प्रणाम, पर प्लस मान प्रमाण। आगे देखें बारहवां नियम से पहले ए आ के बिन कोई स्वर आ जाए तो से को से मना दिया जाता है। उदाहरण तौर पर दे लें वी प्लस सम, तो वी प्लस जो सम है उसको विषम बोल देंगे, क्या बनेगा विषम। अनु प्लस संग अनुसंग, तो इसका से जो है चेंज हो जाएगा। अगला देखेंगे 13 नंबर, यदि किसी शब्द में कहीं भी री रे या से हो और उसके साथ मिलने वाले शब्द में कहीं भी न हो तो उन दोनों के बीच कोई भी स्वर क ख घ प फ ब भ म य र ल व म में से कोई भी वर्ण हो तो सिंधी होने पर न के स्थान पर ण हो जाता है। जब द के साथ क ख त थ प फ स ह का मिलन होता है तब दे की जगह पर तय मन जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे रा प्लस अयन रामायण, परी प्लस नाम प्रणाम, ये उसके कुछ उदाहरण है। अगला देखेंगे विसर्ग संधि, कौन सी संधि देखें विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि कौन सी होती है, विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तो जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं विसर्ग संधि। उदाहरण मन प्लस अनुकूल मनोकुल, नी प्लस अक्षर निरक्षर, नी प्लस पाप निष्पाप। और विसर्ग संधि के कितने नियम होते हैं, 10 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 10 नियम होते हैं। कौन से नियम है वो देख लेंगे। पहला नियम है कि विसर्ग के साथ चय या छय के मिलन से विसर्ग के जगह पर स मन जाता है। विसर्ग के पहले अगर ए और बाद में भी ए तथा अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा ये रे ले वे हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। उदाहरण पर देखेंगे मन प्लस अनुकुल मनोकुल,
अध प्लस गति अधोगति, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। नी प्लस चय निश्चय, आगे देखेंगे दूसरा नियम। विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो और वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा यरलवे में से कोई हो तो विसर्ग का र या र हो जाता है। विसर्ग के साथ क्ष के मेल पर विसर्ग के स्थान पर क्ष बन जाता है। उदाहरण देख लेंगे। दु प्लस शासन दुशासन, यश प्लस शरीर यशस शरीर, नी प्लस शुल्क निशुल्क। विच्छेद देखेंगे। नी प्लस आ निरहार, नी प्लस आशा निराशा, नी प्लस धन निर्धन। तीसरा देखेंगे, तीसरा नियम कौन सा है। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चय छ या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के साथ टय ठ या स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर स बन जाता है। धनु प्लस टकार धनुष्टकार, नी प्लस चल निश्चल, नी प्लस छल निश्चल, दू प्लस शासन दुशासन, और चौथा चौथा है विसर्ग के बाद यदि, विसर्ग के बाद यदि तय या स हो तो विसर्ग स मन जाता है। यदि विसर्ग के पहले वर्ण में ए या आ हो के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो, ए आ के अतिरिक्त अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क ख प फ में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर स मन जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे। नी प्लस कलंक निष्कलंक, दू प्लस कर दुष्कर, आवी प्लस कार आविष्कार, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। पांचवा देखेंगे। विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले वर्ण में ए आ का स्वर हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो सिंधी होने पर विसर्ग भी ज्यों का त्यों मना रहेगा। उदाहरण देख लेंगे। अद प्लस पतन अद पतन, प्रातः प्लस काल प्रातः काल। विच्छेद करेंगे तो रज प्लस कर्ण, तो उसका भी हो गया ज्यों का त्यों रज प्लस कर्ण। ये खुश के अपवाद देखेंगे तो अपवाद है भा प्लस कर भास्कर, नम प्लस कार नमस्कार, पुर प्लस कार पुरस्कार, ये कुछ इसके कुछ अपवाद भी हैं। आगे देखिए छठा नियम। छठा नियम है कि विसर्ग से पहले ए आओ और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के साथ साथ तय या थे के मेल पर विसर्ग के स्थान पर स मन जाएगा। अंत प्लस तल अनंतल, नी प्लस ताप निस्ताप, दू प्लस तर दुस्तर, और विच्छेद करेंगे। निस्तेज का तो निस प्लस तेज हो गया, नमस्ते का करेंगे तो नम प्लस ते हो गया, मनस्ताप का करेंगे तो मन प्लस ताप हो गया। ये कुछ इसके विच्छेद भी हैं। सातवां नियम देखें। विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग के साथ स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है। नी प्लस संदेह है नी संदेह है, दू प्लस सास दुसास, और विच्छेद करेंगे कुछ निस संतान नी प्लस संतान, मन सताप मन प्लस सताप। अगला देखेंगे आठवां नियम। यदि विसर्ग के पहले वर्ण में ई व उ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र हो तो सिंधी होने पर विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, साथ ही ई और उ की मात्रा बड़ी ई और उ में बदल जाएगी। नी प्लस रस निरस, नी प्लस रव निरव, नी प्लस रो निरोग, दू प्लस राज दूराज। विच्छेद करेंगे तो इसी प्रकार इसके विच्छेद हो जाएंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन, सॉरी 9 नंबर जो है देखेंगे नियम। 9 नंबर नियम कौन सा है। 9 नंबर नियम है कि विसर्ग के पहले वर्ण में ए का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ ए के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल पर विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा इसके साथ। तो किस प्रकार है उसकी कुछ उदाहरण देख लेंगे। तत् प्लस एवं ततेव, प्य प्लस आदि प्यादि, मन प्लस उच्छेद मनुच्छेद, ये कुछ इसके उदाहरण है। दसवां और आखिरी इसका जो नियम है विसर्ग संधि का उदय, विसर्ग के पहले वर्ण में ए का स्वर हो और विसर्ग के साथ ए घ घ ण
चय जय कुछ इस प्रकार के जो वर्ण के मेल पर विसर्ग के स्थान पर ओ इनके साथ मन जाएगा। मन प्लस अभिलाषा मनोभिलाषा, सर प्लस जय सरोज, यश प्लस धारा यश यशोधारा, मन प्लस योग मनोयोग, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। विच्छेद करेंगे तो मनोकुल का क्या होगा? मन प्लस अनुकल। मनोहर का होगा मन प्लस हर। तपोभूमि हो गया तप प्लस भूमि। और इसके कुछ अपवाद है, वो है कि पुनः प्लस अवलोकन पुनरावलोकन, पुन प्लस क्षीण पुनरीक्षण, और अंत प्लस यामी अंतर्यामी। क्या हो गया? अंतर्यामी। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको हमारे यहाँ ये वीडियो पसंद आएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ, ताकि जो हर नया वीडियो है उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और सुरक्षित रहें।